नमस्कार, एमएमसी न्यूज में आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस में 21,000 नए आरक्षी शामिल हो गए। पूरे प्रदेश में आज आरक्षियों की पासिंग आउट परेड हुई। गाजीपुर में भी 251 आरक्षी पासिंग आउट परेड के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बन गए। डीएम ओम प्रकाश आर्य और एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने परेड की सलामी ली। एसपी ने बताया कि आज गाजीपुर में 251 आरक्षियों ने पासिंग आउट परेड पास कर लिया और आज से वो आरक्षी के रूप में काम करेंगे। एसपी ने बताया कि 6 माह की ट्रेनिंग के दौरान आरक्षियों को हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन कर सकें। इस दौरान उनको वीडियो भी दिखाए जाते हैं ताकि वो जटिल परिस्थितियों से निपट सकें। इस दौरान ट्रेनिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आरक्षियों को डीएम और एसपी ने प्रशस्ति पत्र देकर उनको सम्मानित भी किया। देखिए, आज 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद हमारे जो रिक्रूट हैं उनका दीक्षांत समारोह था। कुल 251 कैडेट्स यहाँ पे थे जिन्होंने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो हमने उनके परेड का निरीक्षण किया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अनुशासित तरीके से उनकी परेड रही और इसमें स्पष्ट रूप से जो हमारे कप्तान साहब हैं इनकी मेहनत दिख रही है और जो उनकी निष्ठा है अपने कर्तव्यों के प्रति वो दिख रही थी साफ साफ। तो एक तो बड़ा अच्छा लगा देख करके कि एक बेहतरीन ढंग से यहाँ पे उनको प्रशिक्षण दिया गया। दूसरे, उनको शपथ दिलाया गया और उनसे यही कहा गया कि जिस तरह का आप अपना भारत देखना चाहते हैं उसमें एक कर्मी के रूप में जहाँ भी आप तैनात होते हैं आप अपनी भूमिका निभाएं और देश को सशक्त करें, मजबूत करें। आज पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 21,000 पुरुष और महिला आरक्षी पुलिस बल में शामिल हो रहे हैं। जनपद गाजीपुर में 251 पुरुष आरक्षियों की ट्रेनिंग 6 माह की दिलवाई गई थी। इन्हें जनपद गोरखपुर आवंटित है। ट्रेनिंग के पश्चात ये गोरखपुर के लिए आज रवाना हो जाएंगे। इस 6 माह के प्रशिक्षण में जब ये आरक्षी हमारे पास आते हैं तो एक सामान्य समाज के हिस्सा होते हैं। उन्हें इस ट्रेनिंग के दौरान अनुशासित बल में किस जिम्मेदारी के साथ कार्य करना है, ड्रिल करनी है, क्या कानून है, क्या प्रक्रियाएँ हैं, इनके संबंध में विस्तृत ट्रेनिंग दी जाती है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे 251 में सभी आरक्षी अच्छे अंकों से प्राप्त हुए हैं और आज जो विशिष्ट योग्यता जिनकी जिन विषयों में थी उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। इन आरक्षियों को अंतः विषयों के साथ साथ बाह्य विषयों के संबंध में भी जो आज की के चैलेंजेस हैं पुलिस के सामने उसमें भी प्रशिक्षित किया जाता है और इसके लिए मॉडर्न टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वीडियोस इस्तेमाल किए जाते हैं जो हम इन्हें दिखाते हैं विषम परिस्थितियों के, इनके प्रश्न पूछते हैं, उसके संबंध में इंटरव्यू होता है और उसके बाद ये एक सफल कैडेट के रूप में आज पुलिस बल में शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक गौरवमयी इतिहास रहा है, उसके आज ये हिस्सा बन गए हैं। कार्यप्रणाली करने के लिए किस तरह की शपथ दिलाएंगे, क्या करेंगे? मुख्य रूप से ये जो संविधान कानून है उसका पालन करेंगे, निष्पक्षता से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। मुख्य रूप से ये इनसे अपेक्षा की गई है। ट्रेनिंग के दौरान भी इनको बार बार इस चीज़ के बारे में न केवल पढ़ाया गया है बल्कि अभ्यास भी कराए गए हैं। इनके व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान इनको जनपद में जो कानून व्यवस्था संबंधी समस्याएँ थीं उसमें भी एक्सपोजर दिया गया है, जिससे कि इन्हें कानून व्यवस्था में कैसे संयमित रहते हुए लेकिन दृढ़ रहते हुए नियंत्रण करना है, इसका प्रशिक्षण दिया गया है।